हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत ने फैसला किया है कि पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल और लाइट डीजल की कीमतों में कोई हद्दोबदल नहीं किया जाएगा। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि आर्मी चीफ की तकरीरी मुतनाज़ा ना बनाई जाए। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि आर्मी चीफ की तकरीरी से मुतल्लिक सारे दावे धरे के धरे रह जाएंगे, फौज की नामजदगी ही फैसले की बुनियाद होगी। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम लाहौर पहुंच गए। बाबर आजम के हमरा फास्ट बॉलर नसीम शाह और पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा समेत टीम ऑफिशियल्स गैर मुल्की परवाज के जरिए लाहौर पहुंचे। पोलैंड में यूक्रेन की सरहद के करीब रूसी रॉकेट गिरने से 2 अफराद हलाक हो गए। यूरोपीय मीडिया के मुताबिक नेटो का रुकन पोलैंड आवरा रूसी रॉकेटों का निशाना बना, जिसमें 2 अफराद हलाक हो गए।